बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग फार्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप्स एलिवेशंस। तो आप स्लोप के एलिवेशंस को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके मुताबिक भी बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई बेड जा रहा है, ड्रेन का है, जिसके ऊपर आपको स्लोप दी गई है और फर्स्ट एलिवेशन दिया गया है, तो इसी तरीके से रैंडम लेंथ के ऊपर या आरडीएस के ऊपर आपको उसके एलिवेशंस कैलकुलेट करने हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करें, जिस तरह आपके पास लेंथ फर्स्ट की 35 है, सेकंड की 50 मीटर है, 60 और 65 मीटर है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नीचे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, एलिवेशन प्लस क्रॉस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो आपने सबसे पहले एलिवेशन लिख लेना है, उसके बाद प्लस हमारे पास स्लोप जा रही है 0.0045 की और मल्टीप्लाइड बाई आपका जो सेगमेंट जा रहा है, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, स्लोप है हमारे पास 0.0045 मल्टीप्लाइड बाई 35 करेंगे तो हमारे पास 0.158 इस सेगमेंट की स्लोप आ जाएगी। इसको आपने स्टार्ट एलिवेशन के अंदर प्लस कर देना है तो आपका नेक्स्ट एलिवेशन आ जाएगा 35 मीटर के ऊपर 0.0058। इसी तरह आपने आगे जाना है तो आपने सेम टू सेम वही पर मीटर स्लोप मल्टीप्लाइड बाई जो आपके पास सेगमेंट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास उसका जो सेगमेंट होगी उसकी स्लोप आ जाएगी 0.225 जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और इसके अंदर आपने जो लास्ट एलिवेशन आपने कैलकुलेट किया था वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरीके से आप आगे आ जाएंगे, इसको या आपके पास स्लोप अगर प्लस में है तो आपने उसको प्लस के अंदर लिखना है, माइनस है तो आपने उसको अंदर एलिवेशन को माइनस करना है। तो इसी तरह स्लोप पर मीटर है मल्टीप्लाइड बाई 60 मीटर का सेगमेंट है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी इधर 0.27 की। तो ये हमारे पास थर्ड सेगमेंट की जो स्लोप आई है, टोटल स्लोप वो 2 आई है, 2.27 आई है। इसके अंदर आपने एलिवेशन को अगर ऐड कर देना है लास्ट वाला एलिवेशन, तो इसी तरीके से आप ये आगे करते जाएंगे तो ये आपके पास उसके पूरा एलिवेशन आता जाएगा। स्लोप आपके पास प्लस में दी गई है तो आपने उसको प्लस कर देना है, माइनस में दी गई है तो आपने माइनस कर देना। तो इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं चारों एलिवेशन हमने इधर कैलकुलेट कर लिए है। तो ये आप इस तरीके से वर्किंग करते हुए अपनी स्लोप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसके अंदर ये कि आप देखें फर्स्ट और सेकेंड दोनों की लेंथ को आप प्लस करेंगे 85 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई स्लोप कर देंगे तो ये हमारे पास दोनों सेगमेंट की स्लोप आ जाएगी, प्लस स्टार्ट एलिवेशन करेंगे तो एलिवेशन हमारे पास 200.383 आ गया। इसी तरीके से सेगमेंट वन, सेगमेंट टू की लेंथ और सेगमेंट थ्री की लेंथ को आप प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर स्लोप जा रही है उसको आप करेंगे तो उसके बाद आपने स्टार्ट एलिवेशन आपने इसके अंदर प्लस कर देना तो आपके पास थर्ड नंबर के ऊपर जो एलिवेशन आ रहा था 200.653 वो आ जाएगा। इसी तरीके से आप शुरू से लेकर एंड तक की सारी लेंथ को आप इधर कैलकुलेट कर लें, 1, 2, 3 और इसी तरीके से फोर्थ को, और जैसे मल्टीप्लाइड बाई आप स्लोप को कर दें और स्टार्ट एलिवेशन को आप प्लस कर देंगे तो आपके सामने एंड वाला एलिवेशन आ जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बहुत यूजफुल कैलकुलेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।